एपीटीवी भारत, आवाज देश की। आम आदमी पार्टी में कलेश एक बार फिर से शुरू हो गया है। वजह है आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा, जिन्हें पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से एक बार फिर से निकाल दिया गया। इससे भड़की अलका लांबा ने लोकसभा चुनावी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की बुरी हार पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल को पार्टी संयोजक से हटाकर संजय सिंह को पार्टी संयोजक बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं पार्टी के भीतर नहीं हूँ, इसलिए पार्टी के बाहर से ही एक शुभचिंतक की तरह सुझाव देती रहूंगी। मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। अगर दिल्ली जीतनी है तो अरविंद जी को दिल्ली पर फोकस करना चाहिए और संविधान के मुताबिक पार्टी कन्वीनर का पद संजय सिंह को सौंप देना चाहिए। संगठन का भी अनुभव है। इसके बाद उन्होंने पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप के कई स्क्रीन शॉट्स शेयर किए, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा में हुई करारी हार के बाद पार्टी के नेताओं को लोगों के बीच जाकर सभाएं करने को कहा है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। ये सारे स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते हुए अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज को मोहरा और चमचा तक बता दिया। दोबारा ट्वीट करके अलका लांबा ने 2020 में पार्टी छोड़ने के पूर्ण संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने लिखा कि 2013 में आपके साथ शुरू हुआ मेरा सफर 2020 में समाप्त हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं पार्टी के समर्पित क्रांतिकारी जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा रहेगी। आशा करती हूँ कि आप गली में एक मजबूत विकल्प बने रहेंगे। आपके साथ पिछले 6 साल यादगार रहेंगे। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आभार। आम आदमी पार्टी के भीतर हुई अनबन की यह पहली खबर नहीं है। इससे पहले कुमार विश्वास जैसे कई नेताएं पार्टी छोड़कर जा भी चुके हैं और एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीटीवी भारत।